हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम के नेक्स्ट मूव की। ऑलरेडी बॉटम आ चुका है, लेकिन अब जो है वो हमारा टारगेट क्या है वो हमें आज के वीडियो में डिस्कस करना है। ढेर सारी न्यूज है, उसके बारे में बात करनी है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी काफी न्यूज है। अब ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू होने वाला है टेक्निकली नेक्स्ट मंथ से, तो कौन से अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है वो देखेंगे, जो न्यूज में है उनके बारे में बात करेंगे। और आज के दोनों ऑल्ट कॉइन्स ऑफ द डे, पैनकेक और यूनिस्वैप, दोनों बहुत ही अंडर वैल्यूड है, क्यों है, पर कहां तक जाने वाले हैं वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। तो मार्केट आज जो है वो ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। हमने कल ही बताया था, एक्चुअली परसों की वीडियो में ही मैंने बोला था कि यार बॉटम आ चुका है और वो एक परफेक्ट बाइंग जोन है। और अगर आपने वो नोटिफिकेशन मिस की है, सो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस मत करो। और स्पेशली आने वाले 3 महीने में जब तुम्हारा पैसा शायद 10 गुना 20 गुना 50 गुना होने वाला है। ओके, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशंस को क्लिक करो। और मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो आज तो फुल ग्रीन है। बिटकॉइन $48,000 के आसपास है, इथेरियम भी $3,500 के ऊपर है। कुछ कॉइन्स जो बहुत ही शानदार रैली दिखा रहे हैं वो है रेन, डीफाई टोकन है ये, जेन, फैंटम, एच बार, ये अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन देखिए सॉलिड रैली, बहुत ही जबरदस्त, कुछ 27 सेंट्स पहले था ये कुछ दिन पहले, और आज 52-53 सेंट्स पे एक टोकन है सुशी स्वैप। सो काफी अच्छे, मतलब बिटकॉइन के एक छोटे से पुश से आप देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स को कितना स्ट्रॉन्ग पुश मिलता है। और कुछ टोकन जो आज भी रेड में है, अगेन ये सब सिर्फ करेक्ट हो रहे हैं अपने ऑल टाइम जो अभी इन्होंने प्रीवियस हाई मारे हैं वहां से, तो कुछ भी एज सच डंप नहीं हो रहा है। ओके, सो टेंशन की कोई बात नहीं है। सो मार्केट अच्छा है। अब चार्ट पे चलते हैं तो बिटकॉइन का ये चार्ट, तो ये ट्रेड आपके सामने है जो हमने आपको बोला था कि यहाँ पे हमें बाय करना है, एग्जैक्ट हमारे बाइंग जोन पे आया, हम लोग इस ट्रेड में बने हुए हैं, हमें अपने प्रॉफिट्स तक अभी से सिर्फ होल्ड करना है। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी 11% का प्रॉफिट है उसमें। ओके, बिटकॉइन का हिट हुआ, हाँ इथेरियम पे जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए अभी जो थोड़ा ये ट्रिकी रहेगा, तो ये जो प्रॉफिट्स है हमें, मतलब 50% प्रॉफिट्स में ये व्हाइट लाइन पे लेने वाला हूं, तो ऑलमोस्ट $51,000 पे ये जो रीटेस्ट होगा हमारा बेरिश रीटेस्ट, यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स लेना है। फिर अगर ये, क्योंकि इसे देखिए रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करना है, राइट, तो यहाँ पे ये थोड़े देर के लिए और कंसोलिडेट होगा, तो ये सीधा ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। तो जब यहाँ कंसोलिडेट होगा उस टाइम पे हमें जो है वो वापस पोजीशन बनानी है सपोर्ट पे, और फिर होल्ड करना है हमारे फाइनल टारगेट के लिए, फाइनल शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। लॉन्ग टर्म टारगेट आप सबको पता है। ओके, और वैसे ही हम लोग अगर इथेरियम भी देखें तो इथेरियम उतना नीचे नहीं आया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, तो ये ट्रेड तो हमारा मिस हुआ, सो इट्स फाइन। ओके, लेकिन हमें ये अभी यहाँ बाय नहीं करना है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे $4,000 के आसपास, तो उसे उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दो। जब वो एक बार उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम वहां पे एंट्री बनाएंगे और हम क्विक ट्रेड रखेंगे $5,000, लेकिन अभी पोजिशन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो डेली के ऊपर वॉल्यूम अभी भी नहीं है, मतलब वो ब्रेकआउट तो जरूर आया है। 4 आवर्स के ऊपर वॉल्यूम है कि नहीं पहले वो कंफर्म करते हैं। एक्चुअली 4 आवर्स पे भी वॉल्यूम नहीं है, सो वही है यार, वॉल्यूम नहीं है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो अभी भी थोड़ा रिस्की है। सो इसलिए मेक श्योर कि थोड़ा रुको, जब ये वापस रीटेस्ट करे तब हम यहाँ इसे बाय कर सकते हैं, और ये काफी क्विक रहेगा। तो मैं यहाँ $4,000 तक जाके मेक श्योर कि अपना आधा जो प्रॉफिट है वो तो ले लो, उसके बाद थोड़ा वेट करो कि अगर वो वापस नीचे आता है तो फिर पोजीशन बनाओ और होल्ड करो नेक्स्ट टारगेट के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सावधान क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। ओके, उसके बाद बिटकॉइन के लिए सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त बुलिश न्यूज कौन सी है, वो है ये गोल्डन क्रॉस। लास्ट टाइम जब ये गोल्डन क्रॉस आया था तब बिटकॉइन $10,000 का था, और इस क्रॉस के बाद $60,000 तक गया, 65, और उसके बाद अब जाके ये गोल्डन क्रॉस आया है। तो तुम सोच सकते हो कि यहां से अब जो प्राइस है वो कहाँ जाने वाला है। तो मार्केट बुलिश है,
सेंटिमेंट बुलिश है, न्यूज बुलिश है, अब सिर्फ प्राइस का ही मूव होना बाकी है. ओके, सो मेक श्योर अभी भी बाय नहीं किया है तो इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करो यार, ये सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे. ओके, और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अब ऑल कॉइन्स का टाइम आ गया है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यही सोच रहे हैं और सबको पता है कि यार प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादातर वहीं आने वाले हैं. ओके, और अगर आप डोमिनेंस भी देखोगे तो 41% है बिटकॉइन का डोमिनेंस, और ये तो अभी बहुत ज्यादा और गिरने वाला है. सो अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रखो. अगर तुम्हें नहीं पता है कौन से टोकन अच्छे हैं, मेक श्योर हमारा वीडियो देखो जिसमें हमने मार्केट लीडर्स की बात की है. वो सब टोकन तुम्हारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं होने वाला. ओके, तो तुम हमारे चैनल में जा सकते हो और जाके यहाँ नीचे मार्केट लीडर्स का वीडियो है वो जरूर देखो, मैं वो आज डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है वो है सोलाना के लिए. अभी सोलाना जो है वो क्रैश हुआ क्योंकि उनके जो नोड थे वो डाउन हो गए थे. अब उनके अकॉर्डिंग वो नेटवर्क वैलिडेटर्स क्यों डाउन हुए, क्योंकि उनको ट्रांजेक्शन स्पीड और बढ़ाना था, अपग्रेड करना था. लेकिन अब सच किसे पता यार. लेकिन हाँ, अभी टोकन जो है सोलाना आप देखिए ऑलरेडी काफी अच्छा हाइप, मतलब ऑलमोस्ट $217 और वहां से ये करेक्ट हो रहा है. मैं अभी भी बाय नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले भी बोला मेरा बाइंग जोन जो है वो यहाँ रहेगा, यहां से शुरू करूंगा मैं, उसके पहले तो बाय नहीं करने वाला हूँ. सो अगर आपको बाय करना है तो ये एक अच्छा डिप है, बट अगेन मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि नहीं यार, टोकन जो ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है, इतना हाइप्ड अप हो चुका है, तो उसे छोड़ दो और कुछ नया टोकन ढूंढो. सो यू डोंट नीड टू चेज दैट टोकन. ओके, अगर ये तुम्हें 94 तक मिलता है या 94 से 61, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी देता हूँ. ऐसा ऑलरेडी मैंने एक बार देखा है, तो ये लिंक है. ओके, तो मैं इसके वीकली चार्ट पे जाता हूँ. तब ये टोकन इतना बुलिश था कि सब लोग यही बात कर रहे थे कि ये अब रुकने वाला ही नहीं है ये टोकन. ओके, तो अगर तुम ये टोकन देखते हो यहाँ पे, तो ये बहुत ही शानदार रैली यहाँ पे भी आई थी. आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये टोकन सीधा पैराबॉलिक गया था और ऑलमोस्ट ये 2700% की रैली थी, 2700% की, और उसके बाद वो सीधा क्रैश किया और 0.678786 तक वो आया ही. और यही सेम तुम्हें जो है वो सोलाना में भी मिलने वाला है. सो बिल्कुल भी पैनिक मत करो, बिल्कुल भी फॉलो मत करने जाओ उसे, वो नीचे आएगा और तुम वहां बाय कर सकते हो. ओके, तो सोलाना भी अगर मैं यहां से देखता हूं तो तुम्हारा बाइंग जोन यही वाला है, 65 से 98 के बीच में. ओके, सोलाना के बाद नेक्स्ट टोकन जो है वो है सुशी. सुशी आज भी ऑलमोस्ट 14% ऊपर है, बट ये टोकन बहुत ही अंडर वैल्यूड है, इसमें ज्यादा रैली आई नहीं है. लेकिन अब इसका टाइम है कि ये टोकन भी अच्छा खासा मूव दिखाए. ओके, तो आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा अभी मूव होना शुरू हुआ है और अभी अपने ऑल टाइम हाई को ही सीधा टेस्ट करने वाला है, क्योंकि बाकी सब रेजिस्टेंस तो वो ब्रेक कर चुका है. तो हम लोग सीधा ये जो है $23 तक इस टोकन को देखने वाले हैं. ओके, सुशी के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है, अब ये नया प्रोजेक्ट है, अभी मुझे इस पे खुद रिसर्च करनी है, साइनैप्स नेटवर्क, तो से मुझे भी नहीं पता ये कैसा है. नेक्स्ट न्यूज है विटालिक के लिए. भैया ये टॉप 100 जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में आ गए हैं और ये डिजर्व भी करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है इनका. आज के ऑल्ट कॉइन्स है तो आई थिंक उसके फंडामेंटल्स तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि पैनकेक स्वैप और यूनी कौन कौन क्या टोकन है और वो क्या करते हैं. मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए डीफाई में 92 बिलियन लॉक्ड है. ओके, ये इथीरियम के ऊपर है और ये डेक्सेस में सबसे बड़ा एक्सचेंज है यूनिस्वैप. ओके, तो अब जब यूनिस्वैप सबसे बड़ा एक्सचेंज है और उसके टोकन का वैल्यू अगर आप देखते हैं, और मैं आपको वॉल्यूम भी दिखाता हूँ, तो आप देखिए ऑलमोस्ट ये दो है V2 और V3, दोनों को मिला के ऑलमोस्ट $1.2 बिलियन का डेली का ट्रेडिंग है उस पर. तो कितनी गैस फीस उनको मिलती है, कितनी ट्रेडिंग फीस उनको मिलती है और कितना प्रॉफिट उनका है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं. और सेम गोज फॉर पैनकेक. तो प्रोजेक्ट्स दोनों ही बहुत स्ट्रांग है और दोनों ही अभी मूव होने शुरू ही नहीं हुए हैं. ओके, तो अगर आप यूनिस्वैप देखते हो तो हम लोग पहले यूनिस्वैप से शुरू करते हैं. तो देख सकते हो यूनी भी जो है वो परफेक्ट अपने 0.618 से जो है वो वापस ऊपर जाना शुरू हुआ है और उसका फर्स्ट टारगेट तो डेफिनेटली उसका ऑल टाइम हाई $45.
लेकिन जो उसका अल्टीमेट टारगेट रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग ये हंड्रेड्स में जाएगा फॉर श्योर। सो यहाँ से ऑलरेडी तुम्हें जो है वो बढ़िया 3-4 गुना तुम्हारा पैसा जो है वो हो सकता है। ओके, और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पिट जाएगा, वैसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो तुम देख सकते हो $72 उसका जो है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 45 क्रॉस करने के बाद। तो अभी बहुत सस्ता है यार, यहाँ से ऑलरेडी तुम्हारा पैसा 3 गुना हो सकता है, तो क्यों बाय नहीं करे, और स्पेशली जब फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है। ओके, और सेम गोज फॉर केक, क्योंकि यूनी में फीस थोड़ी ज्यादा है बट केक में तो फीस भी बहुत कम है बिनेंस चेन की वजह से, और अपने सपोर्ट के ऊपर है। नेक्स्ट टारगेट है $30, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है $52। तो बहुत ही जबरदस्त टोकन है दोनों के दोनों, मेक श्योर पोर्टफोलियो में ऐड करो। अगेन ये अभी ही टाइम है, 2-3 महीने के बाद तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। ओके, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।